से पूरा अंदर से आप प्रतिबंध का साथ में लगाइए, पूरा जिला आपके साथ खड़ा। लेकिन आप कहिएगा कि आप धनबाद से प्रतिबंध लगा दीजिए, यह संभव नहीं। सबसे पहले डीजे साथियों और शाखा को आगे बढ़ करके आना होगा, तभी प्रतिबंध लग सकता है और वो सफल हो सकता है। पिछली बार हमने प्रतिबंध लगाया था और हमने देखा था कि 1200 मेंबर में से 200 डीजे वाला भी हमारे साथ खड़ा नहीं था। किसके बल पर प्रतिबंध लगाएंगे हम? यही सदस्यों के बल पर जो कि आज नहीं है यहां पर। 90 में से 45 लोग उपस्थित है, 45 अपना घर में अपना काम में व्यस्त है, इन्हीं के बल पर प्रतिबंध लगाते हैं। लगाइए ना प्रतिबंध, लगाइए कटरा शाखा में प्रतिबंध लगाइए। एक एक डीजे वाले को बोलिए कि अपना साउंड सिस्टम बंद करेगा, पूरा जिला में हम आह्वान करते हैं कि कहीं से वहां साउंड सिस्टम बजने नहीं जा रहा। आप पहले अपनी शक्ति दिखाइए, उसके बाद जिला अपना शक्ति दिखाने के लिए तैयार। लेकिन आप कहां आगे बढ़ रहे हैं? आप ही का मेंबर आपके साथ नहीं है, आप ही का डीजे भाई आपके साथ खड़ा नहीं है। पिछली बार हड़ताल के समय हमने ये देखा है और आपको शायद पता नहीं है कि हमारे सांसद महोदय और डीसी उपायुक्त महोदय के सामने हमने क्या बात रखा था, जिसके कारण हमारी बात को माना गया था। आपको पता है? हमारे शाखा पदाधिकारियों को पता है। जब हमारा साथ हमारा डीजे भाई छोड़ दिया तो हमें लगा कि हमारा सम्मान कैसे बचेगा, हमारा संघ का बैनर कैसे बचेगा। तो हमने उपायुक्त महोदय के सामने इस बात को रखा कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, और हमारे सांसद महोदय को भी इस बात से अवगत कराया कि आपका काम तो होगा ही नहीं। उनका एक टाउन हॉल में काम था जिसको हम लोगों ने ब्रेक किया था, लाइट और साउंड दोनों। हमने उनको कहा था कि आपका काम तो होगा ही नहीं, और अगर उपायुक्त महोदय ने हमारी बातों को नहीं माना तो रणधीर वर्मा चौक में कल के दिन में हमारे पदाधिकारी आत्मदान करेंगे और इसके जिम्मेवार आप होंगे। तब जाकर के हमारी बातों को माना गया था और आपका हड़ताल खत्म हुआ। आज आप कहते हैं कि बिना एग्रीमेंट का हम काम कर रहे हैं। रुपेश डीजे जिन्होंने गणेश पूजा का विसर्जन किया था, उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने संगठन में आवेदन तक नहीं दिया और व्हाट्सएप में लिख रहे हैं कि हमको सहयोग नहीं मिल रहा। तो संगठन नियम से चलता है, अनुशासन से चलता है, आपकी बातों से नहीं चलता। पिछले कुछ वर्ष पूर्व हड़ताल के बाद ही हम लोगों ने और संविधान में इस नियम को रखा है कि बिना एग्रीमेंट पेपर के कोई भी शाखा पदाधिकारी किसी का कंप्लेन रिसीव नहीं करेगा। तो आपका क्यों करें हम? हमारे 19 नंबर नियम में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि संगठन के नियम के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अगर आप अपने साउंड सिस्टम को बजाते हैं तभी संगठन आपका सहयोग करेगी। तो आप संघ के ना तो नियम के अनुसार बाजा को बजा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं, तो क्यों सहयोग करें आपका? आप संगठन के नियम को मान नहीं रहे हैं, अपने मन मुताबिक बिना एग्रीमेंट का बाजा बजा रहे हैं और बोलते हैं कि संगठन का पदाधिकारी सहयोग नहीं कर रहा। आज प्रशासन के पास जाने की बात हो या अपनी बातों को मनवाने का जो रास्ता है, उसके लिए हम सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा। पदाधिकारी कोई तोप नहीं है कि डीसी के पास जाकर के बैठेगा, एसपी साहब के पास जाकर के बैठेगा तो उसका बात मान ले। आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं हम भी वही व्यवसाय करते हैं। हम कोई कमिश्नर नहीं, डीआईजी नहीं, कोई मंत्री का रिश्तेदार नहीं कि मेरा बात सुन। हमारा बात तभी सुनेगा जब हम एकजुट होंगे, एक ग्राम पर चलेंगे और सारे सदस्य मिलकर बोलेंगे कि आप जो कहेंगे हम उस रास्ते को, उस नियम को मानने के लिए तैयार हैं। हम अगर एसडीएम या उपायुक्त महोदय के कार्यालय में बैठते हैं तो बाहर में 400 लोगों की भीड़ होनी चाहिए, जिससे कि उनको एहसास होना चाहिए कि इनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए। इनका भी एक बड़ा समाज है, अगर इनको हम तकलीफ देंगे तो ये हमको भी तकलीफ देने का काम करें। आज आप कानून के नजर में नहीं है, समाज के नजर में नहीं है, सरकार के नजर में भी आप नहीं है,
सकती अपनी। कानून के नजर में, समाज के नजर में और सरकार के नजर में आने के लिए आपको एकजुट एक आवाज में साथ में आना होगा। प्रतिबंध लगाने से क्या होगा? धनबाद से प्रतिबंध लगाएंगे कतरास में पहुंच जाएगा, कतरास से लगाएंगे महोदय में पहुंच जाएगा, महोदय से लगाएंगे सिंगरी घाट में जा देगा। कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? प्रतिबंध लगाने के लिए आपके आप अपने व्यवसाय को त्याग दे सकते हैं, अपना रोजी रोटी का त्याग दे सकते हैं। क्या आपने उतना डर है कि हम प्रतिबंध लगा देंगे तो 6 महीने अगर प्रतिबंध रहेगा तो अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे? उतना ताकत है आप में? अगर आप में ताकत है तो केंद्रीय पदाधिकारी आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। चाहे मेरा लाइट बिजनेस बर्बाद क्यों हो जाए, हम डीजे मेंबर को छोड़ेंगे नहीं अगर आप मेरे साथ रहेंगे। हम जिम्मेवारी देते हैं आपको। एक डीजे भाई को खड़ा कीजिए मंच पर और उनको कहिए कि सारे डीजे सिस्टम साउंड सिस्टम वाले को एक मंच पर ला करके खड़ा करेंगे। जब आप एक मंच पर खड़ा हो जाइएगा उस दिन प्रतिबंध हम लागू करने के लिए तैयार होंगे। व्हाट्सएप पर लिखना और उसको धरातल पर उतरना बहुत कठिन काम है। प्रतिबंध शब्द बहुत छोटा है लेकिन जब ये लगता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि आप कतरास में प्रतिबंध लगा दिए तो उसका दायरा बढ़ेगा, नहीं हो सकता। कतरास में लगा दिए तो बागमारा में भी लगाना पड़े, सिंदरी में भी लगाना पड़े, कतरा झरिया में भी लगाना पड़े, उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा। हो सकता है कि पूरा झारखंड में आपको प्रतिबंध लगाना पड़े तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़े। केंद्र पदाधिकारी कहां आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं और कहां पीछे हट रहे हैं? आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं। जो मन में आ रहा लिख दे रहे हैं, जो मन में आ रहा बोल दे रहे हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास कीजिए। आज आप बिना एग्रीमेंट का काम कर रहे हैं, आपका पार्टी सामान रख ले रहा है, पैसा रख ले रहा है, वो जानबूझ करके आपको पैसा नहीं दे रहा और हम चल जाए लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने के लिए। और कल वही पार्टी हम पदाधिकारियों के ऊपर झूठा केस ठोक देगा, हम जेल के अंदर चक्की पिसेंगे तो क्या आप आइएगा पूछवाने? बिना नियम के बिना हथियार के हम चल जाए प्रशासन से लड़ने के लिए? प्रशासन कोई छोटा चीज नहीं है और कहीं ना कहीं आपको मानना होगा कि प्रशासन आपको सहयोग करता है तभी हमारा डीजे साउंड सिस्टम शहर में बज रहा है, क्योंकि डीजे साउंड सिस्टम पर पूरा प्रतिबंध लगा है। कहीं भी कानून में नियम नहीं कि आप उसको बजा सकते हैं। तो पदाधिकारियों को भी लड़ने के लिए हथियार चाहिए, जो कि आपका कागज, आपका एग्रीमेंट, आपका लाइसेंस, जो कि आपके पास नहीं है और आप बोलते हैं कि कूद जाइए मैदान में मारपीट करके चल रही। कतरास शाखा के पदाधिकारियों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि बिना किसी आवेदन के, बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के कोई भी शाखा पदाधिकारी किसी का कंप्लेन रिसीव नहीं करेगा। अगर आप कंप्लेन रिसीव करते हैं तो उसमें जिला केंद्रीय पदाधिकारी के द्वारा आपको कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा। और अगर कोई मेंबर उस पर सवाल उठाता है तो उसको तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा, केंद्रीय कमेटी की ओर से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। इस पर ध्यान रखिएगा। हम लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, कभी लिखते नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन संगठन के मान सम्मान की बात आएगी तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। संगठन के विरोध में अगर बोलेंगे तो उसको बक्सा भी है, क्योंकि केंद्र पदाधिकारी ऐसे लोग हैं जो पूरे वर्ष 16 शाखा को संभाल रहे हैं। हरेक सदस्य, हरेक पदाधिकारी के दुर्घटना या समस्या में उपस्थित हो रहे हैं। कौन शाखा के पदाधिकारी है, कौन सदस्य जो सालों भर मेहनत करता है हमको बताइए ना, एक भी नाम बताइए। लेकिन हम केंद्रीय पदाधिकारियों को सालों भर आपकी बातों को सुनना पड़ता है, आपको सहयोग करना पड़ता है, आपके समक्ष जाना पड़ता है, तो उनका भी सम्मान करना सीखिए और संगठन के साथ आइए। एग्रीमेंट नहीं होने के बाद, आवेदन नहीं देने के बाद भी रुपेश डीजे को किसी प्रकार
का सहयोग से हम लोग वंचित नहीं रखा है। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि उनका सामान छूट जाए, वो चाहे शाखा पदाधिकारी हो या केंद्रीय पदाधिकारी हो, उनके हर संभव प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। क्योंकि सबसे प्रथम वो हमारा सदस्य, अगर वो गलती किया है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये उनको भी समझना होगा कि हमने कहां कहां पर गलती किया है और इसका दोष हम संघ को नहीं दे, केंद्र पदाधिकारी को नहीं। सबसे पहले तो मुझे एक लिस्ट मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केदारपुर की शाखा के सदस्यों पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस प्रकार का लिस्ट बना करके रखा। केंद्रीय कमेटी में भी इसी प्रकार का लिस्ट। ये सोच की बात है, ये विचार मन में आना चाहिए कि हमें कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। ये देखिए अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग लिस्ट बना हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और जोरदार ताली से का स्वागत करें दोस्तों कि ऐसा सोच, ऐसा मार्गदर्शन। और ये इसलिए दिखा रहे हैं कि बाकी शाखाओं के पदाधिकारी की भी इसको देखें और इसको लागू करें। इसमें एक सुधार करने की आवश्यकता है कि सीरियल नंबर जो आपने दिया है इसके जगह पर अपना जो कोड है उसको दिया जाए।